स्टडी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ओपैम का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपैम से हम क्या क्या कर सकते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिग्नल को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। सिग्नल अगर एसी है तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और भी कई सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। जो बेसिक इसकी एनालिसिस करेंगे तो हम इसका इन्वर्टिंग मोड और नॉन इन्वर्टिंग मोड में इसको देखेंगे। तो अभी मैंने जो कनेक्शन कर रखा है वो है इन्वर्टिंग मोड ओपैम, ठीक है। तो ये है आपका सर्किट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इसमें क्या है कि ये 741 आईसी है, ये 741 इसका क्या है, आईसी का मॉडल है। तो इस आईसी के इनपुट टर्मिनल है 2 और 3, आउटपुट टर्मिनल है 6, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आउटपुट और इनपुट मेजर होगा। अब इनपुट टर्मिनल जो 2 और 3 नंबर है, इन दोनों के बीच में हमने ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इस तरह से पावर सप्लाई के थ्रू जोड़ा है। तो ये जो पावर सप्लाई है, जो डिजिटल सॉरी आपकी डीसी पावर सप्लाई है 0 से 2 वोल्ट की, वो ये रही आपकी। 3 प्रकार की है, हमने कोई एक यूज़ लेनी तो हमने ये यूज़ ले ली। ये वेरिएबल है, तो ये तीर का निशान क्या शो करता है बैटरी के ऊपर, ये पावर सप्लाई क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल पावर सप्लाई, ये रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है RIN, और ये रेजिस्टेंस RF जो है वो फीडबैक रजिस्टर होता है। एक्चुअली में फीडबैक रजिस्टर कैसे कि आउटपुट और इनपुट दोनों के बीच में है कनेक्टेड, तो आउटपुट और इनपुट के बीच में जब भी कोई डिवाइस कनेक्टेड होती है तो वो फीडबैक शो करती है, यानी आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में जाता है। तो ये फीडबैक रजिस्टर है, ये इनपुट रजिस्टेंस है, और ये जो 7 नंबर और 4 नंबर की पिन है, ये इसकी पावर सप्लाई है जो इसके अंदर इनबिल्ट है, जो आप यहाँ से देख सकते हो IC741 लिखा हुआ। ये जो 15 वोल्ट प्लस और माइनस ये दे रखे, 2 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल दे रखा है आपको, 6 नंबर आउटपुट दे रखा है, वो सारा जो यहाँ पर है वो एज इट इज यहाँ पर प्रिंटेड है। और ये R3 रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम का। RIN कहो या R1 कहो, ये 1 किलो ओम का। और RF जो है, आप चाहो जितना ले सकते हैं रेजिस्टेंस, पैरेलल करोगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कम करना हो तो, बढ़ाना हो तो सीरीज में जोड़ दो, और नहीं तो सिंगल लगाओ, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने केवल 10 किलो ओम लिया है, मेरे इस सर्किट कनेक्शन में मैंने 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया है। और ये कॉम्बिनेशन है, मैंने इनपुट लगाया 1 वोल्ट, इसमें मैंने अभी मैं दिखा दूंगा, 1 वोल्ट इनपुट लगाया डीसी का, और आउटपुट हमें यहाँ पर मेजर करना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये ओपैम्प जो है, ऑपरेशन एम्पलीफायर, इसका आउटपुट जो होगा और जो इनपुट है वो डिपेंड करता है, मतलब कि इसका जो गेन है, वोल्टेज गेन, वो डिपेंड करता है कि RF कितना है और RIN कितना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज गेन का, माइनस का RF अपॉन RIN, यानी कि RF जितना ज़्यादा होगा, RIN जितना कम होगा, गेन उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप बढ़ाते जाओ तो गेन बढ़ते जाए, इसकी एक लिमिट है, हर एक ओपैम्प की एक लिमिट होती है। तो जैसे यहाँ पर पहले तो फॉर्मूले की बात करते हैं कि जो वोल्टेज गेन है वो क्या है, माइनस RF अपॉन RIN। माइनस क्या शो करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट को। माइनस का मतलब हुआ कि जो भी आप इनपुट पर सिग्नल लगाओगे उसका आउटपुट में इफेक्ट क्या आएगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। अगर पॉजिटिव लगा रहा है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लगा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, समझ गए। तो इसलिए ये इन्वर्टिंग मोड कहलाता है। इसलिए इस ओपैम्प का ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग ओपैम्प एम्पलीफायर, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग में जब आप सिग्नल लगाओगे तो ये देखो, माइनस का मतलब होता है इन्वर्टिंग मोड और प्लस का मतलब नॉन इन्वर्टिंग। तो अभी हमने सिग्नल जो है प्लस वाला कहाँ लगा रखा है, इन्वर्टिंग पर, इस RF और R1 के थ्रू, नॉन इन्वर्टिंग सॉरी इन्वर्टिंग पर। तो जब आप नॉन इन्वर्टिंग पर ये सिग्नल लगाओगे तो ये सर्किट क्या देगा आपको, आउटपुट पॉजिटिव देगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं मिलेगा उसके, इसमें 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा, या 360 डिग्री कह दो, एक ही बात है। यानी कि आउटपुट की पोलैरिटी इनपुट की पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप नॉन इन्वर्टिंग में लगाते हो तो। अगर आप इन्वर्टिंग में लगाते हो तो इनपुट में जो भी सिग्नल दोगे उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा या पोलैरिटी चेंज होते हुए मिलेगी, ठीक है। तो हम अभी हमने जो कनेक्शन कर रखा है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कनेक्शन कर रखा है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब कि ये जो आउटपुट आ रहा है, मैंने अभी कहा ना इसकी एक लिमिट है, तो इस ओपैम 741 आईसी की एक लिमिट है कि आउटपुट कैन नॉट गो बियॉन्ड माइनस 15 वोल्ट
अब आपने यहाँ 10 ले लिया, नीचे 1 ले लिया तो माइनस 10 आ गया, या 15 ले लिया और नीचे 1 ले लिया तो 15 आ गया, लेकिन आपने 20 ले लिया तो अभी 15 ही मिलेगा, ऊपर 20 लिया नीचे 1 लिया तो भी 15 मिलेगा। इसकी एक सो डू नॉट फीड इनपुट मोर देन, ये तो हमने इसकी एक रेंज पे सेट कर ली कि भाई हम इतना देंगे तो इतना जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी एक सेचुरेशन होता है, जो ओपेम का ग्राफ होता है ना वो ऐसे बढ़ता है और फिर सेचुरेट हो जाता है ना, तो इसलिए जैसे यहाँ इस तरह से बढ़ेगा ओपेम का जो आउटपुट होता है ना वो ऐसे बढ़ के और फिर ऐसे सेचुरेट हो जाता है। तो ये वोल्टेज है, ये आपका मान लो करंट है, तो जो करंट है वो बढ़ा और उसके बाद में सेचुरेट हो जाता है, तो आप कितना ही वोल्टेज बढ़ाते रहो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से ये सेचुरेशन चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर इनपुट कितना लगा रखा है 1 वोल्ट, और यहाँ पर मैंने 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर देखो आप कनेक्शन में मैंने 10K लिखा जो 10 किलो ओम का लिया है, और यहाँ 1K लिखा है, इसका मतलब ये R1 जो है ये RIN 1 किलो ओम है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 10 आएगा एज पर दिस फॉर्मूला, और माइनस का मतलब क्या होता है पोलैरिटी चेंज होकर आएगा, तो इसको हम देखते हैं ना। तो क्योंकि DC आपने इनपुट जो लगा रखा वो DC वोल्टेज है इस पावर सप्लाई के थ्रू, तो पहले इनपुट एक बार देख लेते हैं कि 1 वोल्ट है कि नहीं, तो इनपुट कहाँ से आ रहा है इस पावर सप्लाई से आ रहा है, तो माइनस और ये प्लस में हमने इसको कनेक्ट किया, तो ये देखो वहाँ पर 1.021, तो जो भी आपका इनपुट आएगा आउटपुट में वो RF/R1 की जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होकर आएगा, ठीक है, तो इनपुट आपका 1 है। अब आउटपुट कैसे मेजर करेंगे, तो आउटपुट मेजर करने के लिए ये वाला जो वायर है ग्राउंड वाला, जो डिजिटल मल्टीमीटर का ग्राउंड वाला जो वायर है वो ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे, और आउटपुट आउटपुट वाला जो वायर है ये 6 नंबर पिन में कनेक्ट करेंगे आउटपुट में, ठीक है, तो आउटपुट कितना आ रहा है ओवर रेंज चला गया, ये देखो यहाँ आपको दिखेगा, क्योंकि वो 2 वोल्ट वाली रेंज थी ना, 2 वोल्ट से ज़्यादा बताएगा नहीं, तो 10 वाली रेंज पे लिया, तो ये देखो 10 टाइम्स होके आ रहा है, माइनस में आ रहा है 10.18 वोल्ट, ठीक है, तो इन्वर्टिंग मोड में आपने जो इनपुट लगाया था आउटपुट में वो 10 टाइम्स होके आया, क्योंकि 10 किलो ओम अपन 1 किलो ओम का रेशियो कितना आएगा 10, तो आउटपुट जो आएगा वो ये आएगा, तो ये हो गया आपका इन्वर्टिंग मोड। अब नॉन इन्वर्टिंग मोड का सर्किट क्या रहेगा और फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, तो हमने देखो सिग्नल जो पहले 2 नंबर पे जा रहा था ना अभी कहाँ जा रहा है 3 नंबर पे। सर्किट में क्या चेंज आया, कोई विशेष चेंज आया क्या, 2 नंबर की बजाय कहाँ आ गया 3 नंबर पे सिग्नल आ गया। अब आपको करना बिल्कुल वैसे ही है, फिर से आपको इनपुट लगाना है, और कैसे लगाना है जैसे मैंने अभी बता दिया 1 वोल्ट मैंने सेट कर दिया, और आउटपुट जो आपको 6 नंबर पिन पे मिलेगा यहाँ पर फिर से आप 10 किलो ओम ले लो या 1 किलो ओम ले लो। अब आउटपुट का फॉर्मूला इस बार चेंज आएगा, 1+RF/RIN, वहाँ पर क्या आ रहा था केवल माइनस का RF/RIN, यहाँ पर क्या आएगा 1+RF/RIN, यानी जो भी आउटपुट आएगा उसमें 1 ऐड होके आएगा, ठीक है, जो पहले 10 आ रहा था अब क्या आएगा 11 आएगा, और नेगेटिव नहीं आएगा इस बार पॉजिटिव आएगा, यानी फेज शिफ्ट जो है वो क्या रहेगा 0 या 360 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया। अब सेम प्रोसेस आपको कनेक्शन करना है और इसको चेक करना है, कर लोगे ये, है ना। वैसे इसके अलावा भी हम इस सेटअप से कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, समिंग एम्पलीफायर का काम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टर कर सकते हैं, डिफरेंशिएटर कर सकते हैं। डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर के लिए इनपुट जो होगा वो DC नहीं होगा, फिर AC सिग्नल लगेगा, और उसको देखने के लिए हमें CRO की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अभी तो आपको क्या करना है केवल इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग मोड चेक करना है, ठीक है।